हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो टैली प्राइम को लेकर के है और टैली प्राइम के अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन तब रहती है जब आप बैच नंबर की बात करते हैं। बैच नंबर एक स्पेशल टाइप का नंबर होता है जो आपको प्रोडक्ट्स के ऊपर दिखता है, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि बैच नंबर कैसे एक्टिवेट करें टैली प्राइम के अंतर्गत और एडिट लॉग वर्जन में कैसे बैच नंबर को एक्टिवेट करना है। प्रोसेस काफी आसान है। देखिए, सबसे पहले तो टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए, जो भी आपकी कंपनी रही होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंडियन शॉप ही लिखा हुआ है, इसी को एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ से अब ये गेटवे ऑफ टैली टैली की मेन मेन्यू है, यहाँ से आप F11 प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप F11 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिखता है अकाउंटिंग का और दूसरा इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री वाले सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पर देखते आइए, ये मेंटेन इन्वेंट्री है, इंटीग्रेटेड अकाउंट विथ इन्वेंट्री है और यहाँ पर मल्टीपल प्राइस लेवल है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इनेबल बैचेस। तो बस यहां से बैचेस को आपको कर देना है यस, ये यस कर दीजिएगा और फिर यहाँ पर आप एक्सपायरी वगैरह डाल सकते हैं। दिया हुआ है मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, तो यहाँ से एक्सपायरी डेट डालने के लिए आप इसको भी यस कर सकते हैं और एंटर करके लास्ट तक आपको एंटर करते जाना है, ठीक है। यहाँ पर जीएसटी की डिटेल आती है तो ये जीएसटी के लिए है, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ से बैच नंबर आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, और अब आप एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा तो ये आपका एक्सेप्ट हो गया। तो अभी जब आप कोई भी स्टॉक आइटम परचेज करेंगे तो उसमें बैच नंबर भी आएगा। तो कैसे, देखिए यहां पर देख सकते हैं यहां पर सप्लायर का इनवॉइस नंबर आ रहा है, तो यहां पर कोई भी सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर आप डाल सकते हैं। जैसे ये परचेज वाली बात थी तो यहां पर अब जब आते हैं तो यहां पर सप्लायर द्वारा दिया गया इनवॉइस नंबर डाल दिया, एंटर किया, डेट आ जाएगी और डेट आने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर लगाना है कोई भी क्रेडिटर पार्टी का लेजर। तो ये मान लीजिए गौरव सी करके बनाया है, यही क्रेडिटर पार्टी है हमारी। क्रेडिटर पार्टी का जो ग्रुप होता है वो होता है सन्ड्री क्रेडिटर। तो ये हमने कर दिया, अब एंटर करके इसे जीएसटी आईएन वगैरह डाल लीजिएगा, यहां परचेस का लेजर आ जाएगा। अब मान लीजिए हम एक नया स्टॉक आइटम कुछ और बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम एसएसडी बना लेते हैं, एसएसडी नाम का स्टॉक आइटम है और यहां पर जैसे ही आते हैं तो यहां पर अभी आपको बैच नहीं दिखाई पड़ता है, बैच वाली डिटेल नहीं दिखाई पड़ती है। यहाँ पर जैसे ही एंटर करके आते हैं तो यहाँ पर हमें एनयूएस रखना होता है, एसएसडी तो एनयूएस में ही रहेगा। लेकिन अब जो है यहाँ पर जैसे ही एंटर करके नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको मेंटेन बैचेस का ऑप्शन मिलता है और ये प्रूफ है कि जो है आपका बैच वाला डिटेल जो है एक्टिवेट हो चुका है और आप एक्टिवेट करके इसमें बैच की डिटेल डाल सकते हैं। आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी कि बैच वाला डिटेल एक्टिवेट कैसे करना है और आराम से आप एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।